नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ में पुरानी पेंसिल बहाली की मांग को लेकर प्रसिद्ध विद्यालयों के शिक्षकों ने हुंकार भरी। इस दौरान शिक्षकों ने जमकर सरकार विरुद्ध नारे लगाए और मांग किया कि पुरानी पेंसिल को सरकार बहाल करे, अन्यथा चुनाव में परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। नगर के डीएवी कॉलेज के मैदान में जिले के समस्त ब्लॉकों से धरना प्रदर्शन में पहुंचे हजारों की संख्या में शिक्षकों ने पुरानी पेंसिल बहाली की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के बाद अपनी मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से शासन को भेजा। इस दौरान शिक्षकों ने कहा कि वर्ष 2004 के बाद सभी शिक्षकों कर्मचारियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। एक तरफ जहां एमपी एमएलए सरकार के नुमाइंदे कुछ दिनों के लिए पद पर रहते हैं तब भी आजीवन पेंशन लेते हैं, लेकिन शिक्षक व कर्मचारी देश के भविष्य को संवारने का काम आजीवन करते हैं। बावजूद इसके उनकी बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन को छीन लिया गया। शिक्षकों ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। अमित राय, जिला मीडिया प्रभारी, उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ आजमगढ़। आज मांग को लेकर धरना दे रहे हैं हम लोग। आज अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पे उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया। कितनी भारी संख्या में आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आज जनपद के प्रत्येक विद्यालय से प्रत्येक शिक्षक आज जनपद मुख्यालय पर हम लोगों के धरने प्रदर्शन में सम्मिलित होकर के पुरानी पेंशन बहाली के लिए अपनी मांग कर रहा है। ये संख्या हमारी 5000 से ऊपर आज की है। अच्छा, ये बताइए कि आपने धरना प्रदर्शन तहसीलों में दिया, हर जगह दिया, आज इन मुख्यालय पर दे रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं कि आपकी मांगें पूरी हो सकती है? बिल्कुल, हमको पूरी उम्मीद है कि पुरानी पेंशन बहाल होगी। पुरानी पेंशन हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सांसदों को, विधायकों को, मंत्रियों को पुरानी पेंशन मिलती है 60 साल की सेवा करने के बाद, 62 साल की सेवा करने के बाद। हमारा अध्यापक जब रिटायर हो रहा है तो वह ठगा सा महसूस कर रहा है, उसको 1000, 1500, 2000, 3000 पेंशन मिल रही है, जिससे वह जो है बुढ़ापे में अपना जीवकोपार्जन करने में बहुत कठिनाई का सामना उसे करता है।